मैं हूँ आरुषि। वेलकम टू द टीन्स वर्ल्ड NH, जहाँ हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है और पेरेंट्स हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। वे हॉर्मोन्स आर डांसिंग विद इन अस एंड अट्रैक्शन इज टेकन एज लव। जहाँ पीयर प्रेशर इज हाई एंड कॉम्पिटिशन हैज टेकन आवर लाइव्स। जहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में बात तो हो रही है पर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। वेर आर फिजिकल बॉडी इज द प्रायोरिटी। सोशल मीडिया, कर्फ्यूज, ऑनलाइन डेटिंग, गेमिंग, बॉडी शेमिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइफ इज टफ फॉर टीनेजर्स, पर कोई समझता ही नहीं है और ना ही हम समझा पाते हैं। बट लाइफ इज अमेजिंग जब आपके पास क्यूट से बेस्ट फ्रेंड्स हो। मीट वंशु। हमने ना साथ में शूलेसेस बांधना सीखा है और आज अपने पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, इनसिक्योरिटीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस जालिम दुनिया को झेल रहे हैं। बट वंशु थोड़े दिनों से ज्यादा ही झेली हुई लग रही है। वंशु, हेलो वंशु, सॉरी वो चले मूवी के लिए। यशु भी यही आने वाली है ना, तो 5 मिनट्स है हमारे पास। तब तक एक बात बता, कुछ है क्या जो तू मुझसे छुपा रही है? ऐसा कुछ नहीं आरुषि। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, वेल यू एंड यशु। बता ना। वो एक्चुअली यशु का मैसेज आया, वो नीचे वेट कर रही है। चल चले। आई विल लुक बैक एट दिस और मुझे बहुत बुरा लगेगा ये सोचकर कि जब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को परेशानी में देखा तो उसे परेशानी शेयर करने के लिए फोर्स क्यों नहीं किया। #lessons I'm so sorry सर, आपको इतना वेट करना पड़ रहा है। बस आती होगी। It's okay. मैंने तुझे मूवी देखने इसलिए भेजा था कि टाइम से आ जाएगी। 20 मिनट से मेरे सर वेट कर रहे हैं। अपनी नहीं तो किसी और के टाइम की फिक्र कर लिया। निधि शर्मा, come on, बच्चे ही तो हैं। और बच्चे तक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कम ऑन वंशु, जाओ बेटा अपनी बुक्स लेकर आओ। किड्स यू नो। वो हिस्ट्री की बुक ढूंढने में हेल्प कर दो ना। सीरियसली वंशु, आते हैं। सामने तो पढ़ी है। वो मुझे महेश सर से नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना मतलब फेल हो गई होती अगर महेश सर ने हेल्प ना की होती तो। ट्यूटर ही नहीं है तेरे, तुम्हारे स्कूल में हिस्ट्री के टीचर भी हैं। थर्ड क्लास है आज और ड्रामा शुरू है। फेल होने का शौक है क्या? बट एनफ। बुक्स उठाओ जाके पढ़ो, ऑलरेडी इतनी देर से वेट कर रहे हैं महेश सर। टू ऑल द पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड, Especially teen parents, हम वैसे ही कुछ भी शेयर करने से डरते हैं, पर जब हम कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो थोड़ा ध्यान दे दिया करो प्लीज। सच्चाई। कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। Of course. इतने दूर बैठोगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे? इधर आओ। नहीं सर, ठीक है, शुरू करें। <laughs>
वैसे इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। इससे पहले कभी ये ड्रेस पहनी हुई नहीं देखी मैंने। हाँ, लुक एट दिस ग्लॉस ऑन योर लिप्स। अरे वो फ्रेंड्स के साथ कही थी तो। ओ मतलब फ्रेंड्स के लिए ड्रेसअप हो सकती हो लेकिन अपने हिस्ट्री टीचर के लिए नहीं है। वेरी बैड। शुरू करें सर। ऑफ कोर्स। अरे क्या वो समझ में नहीं आ रहा है? मैं फिर से समझा देता हूँ। सर वो पानी पीना था। ए, लिसन, तुम्हारा रिजल्ट मेरे हाथ में है, याद रखना। उनके साथ क्या उन्होंने ऐसा पहले भी? फर्स्ट डे ही वाज होल्डिंग माय हैंड। मैंने ज्यादा सोचा नहीं। नेक्स्ट क्लास में वो मेरे शोल्डर्स बार बार टच कर रहे थे। क्या हुआ? लिखो। इसको ऐसे लिखो। मैंने मॉम को बोला भी। तूने अपनी मॉम को बताया? ये सब नहीं, बस इतना ही कि मुझे उनसे क्लास नहीं लेनी। You have to tell your mom. वो सिर्फ गुस्सा करेंगी आरुषि। तो खा ले थोड़ा सा गुस्सा। पर तुझे अपनी मॉम को बताना होगा। महेश सर हमारी स्कूल में भी पढ़ाते हैं। न जाने वो किस किस के साथ ये सब कर रहा होगा। He should be behind the bars. मैं चलूंगी तेरे साथ तेरी मॉम से बात करने। We have to fight back. वंशु तू है ये? हाँ मॉम। हाँ मॉम की बच्ची कहाँ चली गई थी रात में बिना बताए? अरे आरुषि बेटा कैसी हो? पापा कैसे? अच्छे आंटी। आ गई हो तो खाना खा के जाना। हाँ नहीं आंटी वो हम ना एक्चुअली वंशु को आपसे कुछ बात करनी है। क्या चल रहा है वंशु? बेटा ऐसी क्या बात है कि अपनी ही मॉम से बात करने के लिए तुझे आरुषि को साथ लाना पड़ा? मॉम वो मुझे महेश सर से क्लास नहीं लेनी। वो अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है मतलब? सिर्फ तेरे ट्यूटर ही नहीं है तुम्हारे स्कूल में भी पढ़ाते हैं। क्या प्रॉब्लम है उनमें? मॉम आप समझ नहीं रहे हो। सच तो ये है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते ही नहीं या हमें भी समझाना नहीं आता।
आंटी वो मिस्टर महेश हैज बीन टचिंग वंशु इनअप्रोप्रिएटली. सच है ये? आरुषि बेटा तुम घर जाओ. नहीं, ड्राइवर चाचा हैं बाहर, उनसे कहो तुम्हें घर छोड़ देंगे. गिव मी अ कॉल वंस यू होम. जी आंटी. वंशु सच बता बेटा, तो पढ़ाई से बचने के लिए तो ये सब नहीं कह रही है ना? नहीं मॉम, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? ट्रस्ट नहीं है क्या आपको मुझ पे? क्या किया उसने? I'm so sorry you had to go through this. I'm so sorry, bachcha. Tujhe koi zarurat nahi tujhe ye tuition karne ki. Thanks, mom. Mom, kya hum police ke paas ja sakte hain? Ya fir na unki complaint hum school mein kar dete hain. We must fight back, mom. बेटा ये सब बातें ना टीवी और फिल्म्स में अच्छी लगती हैं, फाइट बैक एंड स्टफ. तेरी बेइज्जती होगी, कोई ये याद नहीं रखेगा कि महेश ने क्या किया. सब ये याद रखेंगे कि तूने क्या किया. सब ये याद रखेंगे कि तेरे साथ क्या हुआ. और ये पुलिस, they ask so many questions. मोस्टली अनकम्फर्टेबल. बेटा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी तो इस ट्रॉमा से बार बार गुजरे. बट मॉम द राइट थिंग, राइट थिंग रियल जिंदगी में नहीं चलती. तो हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती. क्या मतलब कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते? महेश तो हमारे स्कूल में भी पढ़ाते हैं. तुझे अपनी मॉम को कन्विंस करना चाहिए. मुझे कुछ नहीं करना, मेरी ट्यूशन हट गई उतना ही काफ़ी है. मतलब हम रोज़ स्कूल जाएंगे, महेश तो हमें रोज़ पढ़ाने आएंगे, एंड वी सपोज टू एक्ट लाइक कि कुछ नहीं हुआ, दैट ही इज़ द बेस्ट हिस्ट्री टीचर देयर इज. मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ. सीरियसली गलती उस कमीने टीचर ने करी और जज आप लोग लड़की को करेंगे. बुरा काम उससे किया और बेइज्जती लड़की की होगी. ये बात किसने दिमाग में डाली है? आइडिया, कभी कभी ना टीयर्स का इस्तेमाल सही जगह करने पे जिंदगी रॉक्स. डैड, डैड, आई हैव टू टेल यू समथिंग. मेरे ना हिस्ट्री में क्लास टेस्ट में बहुत गंदे मार्क्स आए हैं डैड, एंड आई डोंट वांट टू फेल इन हिस्ट्री. हमारे हिस्ट्री के सर है ना महेश सर, स्कूल वाले, वो बहुत अच्छे ट्यूशन देते हैं डैड. प्लीज आई नीड हिज ट्यूशन डैड, आई डोंट वांट टू फेल. वन टेस्ट विल रूइन ऑल माय रिजल्ट्स डैड, प्लीज डैड, आई डोंट वांट टू फेल. ओके, मैं करता हूँ तेरे टीचर को फोन. पर ऐसे कैसे स्कूल टीचर ट्यूशन दे रहा है?
ही विल बी पार्शियल. मुझे आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है. ये आइडिया तो मुझे भी पसंद नहीं आया और ना ही ये ब्लैकमेल. बट क्या करूं, इस टीन वर्ल्ड में ना ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड ईव टीजिंग शुड नॉट बी द वन. आई एम फाइटिंग बैक. हाय सर. हेलो आरुषि, तेरे हिस्ट्री सर आए हैं. हेलो सर. हेलो बेटा. हाउ प्रेडिक्टेबल. तो बताओ कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं कहाँ हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? वो क्या हुआ? लिसन, तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझसे बोलो. आई विल हेल्प यू. क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? क्यों? एक टीचर तो अपने स्टूडेंट का हाथ पकड़ सकता है ना? I don't think so. इस तरीके से बात करोगे तुम अपने टीचर से? इस तरीके से टच करेंगे आप अपने स्टूडेंट्स को? ये लिसन, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारे ग्रेड्स मेरे हाथ में हैं and I can fail you. मतलब अगर मैंने आपको अपने आप को टच करने से मना कर दिया तो यू विल फेल मी? ये कहाँ की बात हुई सर? मैं ना तुम्हें क्या? And by the way, मुस्कुराइए, आप कैमरा पर हैं. Actually, लाइव फीड पर. The whole school is watching us. Teens today will fight back. Hi. कभी-कभी जब आपके अपने फाइट बैक ना कर पा रहे हो, फाइट बैक फॉर देम. एंड टीन पेरेंट्स से एक गुजारिश है, प्लीज अपने बच्चों की सुने एंड उन्हें फाइट बैक करना सिखाएं. आई एम सॉरी वंश. आई एम सॉरी बेटा. इट्स ओके मॉम. आई एम सो सॉरी. इट्स ओके. क्योंकि लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सो लेट्स फाइट बैक. And let's stay tuned, क्योंकि next story मेरी दूसरी best friend के साथ on body shaming. तब तक ये वाली share करो और every alternate Thursday content का कीड़ा की new story का wait करो, क्योंकि best teen story सिर्फ हम बनाते हैं. तो इसलिए like, share, comment and subscribe, please. Please.